एसके ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको विज्ञान कक्षा 12 की। आप लोगों को कल मैंने चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया था कूलाम्ब का नियम। कूलाम्ब के नियम में कूलाम्ब का नियम भी मैंने बताया था। कूलाम्ब का नियम आपको फिर से बता दे रहा हूँ मैं एक बार, क्योंकि उसके नोट्स कुछ बताना है आप लोगों को, वही टॉपिक बचा हुआ था। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपको हमारे पर पहुंच जाएगी, तो आप वहां से उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो बताते हैं। तो कूलाम्ब का नियम मैंने आपको बताया था, दो बिंदुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के क्या होता है हमारे पास गुणनफल की अनुक्रमानुपाती तरह उनके बीच की दूरी की क्या होता है वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है। जी हमारे पास ऐसे था। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला था f इज प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा q1 q2 r2। f की जगह पे एक कॉन्स्टेंट रखा था आपकी, यह रहेगा p1 q2 r2। k की जगह पे हमने एक वैल्यू रखी थी 1/4π ε0 इंटू में q1 q2 r2। इसकी भी वैल्यू हमने बताई थी 9×10⁻⁹ q1 q2 r2। इतना आपको बता दिया था इसका मात्रक न्यूटन तक, जो हमने समझाया था आप लोगों को। अब इसी का नोट्स है, नोट्स हमने लिखा है, आप लोग भी देख सकते हैं, बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, बुक में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ भी सकते हैं बुक के लिए। तो इसमें लिखा हुआ है नोट, अब आप लोगों को नोट डालना है, नोट में यहाँ पे लिखना है, इसी नीचे नोट फर्स्ट लिखना है आपको, नोट में लिखना है। देखो जो बेसिकली आप ऊपर पढ़ के आए उसी से लिखना है, थोड़ा सा क्या लिखना है, दो विपरीत आवेशों के मध्य, दो विपरीत आवेशों के मध्य क्या बल, कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, जो हो गया पहला। फिर लिखा है दो समान प्रकार के आवेशों के मध्य क्या होता है हमारा प्रतिकर्षण, दो जिनकी समान आवेश होते हैं उनपे प्रतिकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आवेश का मात्रक क्या होता है हमारा, तीसरा पॉइंट, आवेश का मात्रक हमारा क्या होता है कूलाम्ब होता है। आवेश का मात्रक देख लीजिए, आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको व्हाट्सएप पे मिलेगी जी। ठीक है, यहाँ पर वीडियो आपको देखना पड़ेगा। बिल्कुल, एक इलेक्ट्रॉन पर हमारे पास क्या चार्जेस, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चार्जेस हमने आपको बताए थे क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर होता है हमारे पास क्या प्लस का 1.6×10⁻¹⁹ होते हैं, और प्रोटॉन पर होता है हमारे पास 1.6×10⁻¹⁹ होते हैं। ठीक है, वो भी माइनस के होते हैं यहाँ पे। ठीक, जी हो गया। फिर एक हमने क्या परावर्तन की शीलता, आप लोगों को एक डेरिवेशन टाइप का करना है, छोटा सा एक फार्मूला है k=1/5 ε₀। इसका एक न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, इस वजह से भी आपको नोट दिखा रहे हैं कि जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो इसकी डेरिवेशन मैं बोल दे रहा हूँ क्या है, किसी परावैद्युत का परावैद्युत निर्वात अथवा वायु में परस्पर कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाले वैद्युत बल तथा उन्हीं आवेशों की उतनी ही दूरी तथा उनके आवेशों की उतनी ही दूरी पर कुचालक में रखने पर उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को कहते हैं। ठीक है, जी हो गया आपके पास। अब परावैद्युत की वैद्युतशीलता का फॉर्मूला होता है k=E/E₀। ये आपको जानना है। अब देखो जो हमारा ये होता है E₀ निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। ठीक है, अजी हमारे पास वैद्युतशीलता होती है। ठीक है, अजी हमारा पास क्या होता है परावैद्युतांक होता है हमारे पास, जी आपके पास परावैद्युतांक होता है। जी आप लोगों को इतनी चीज पता होनी चाहिए, इसके बाद आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, वो आपको बताते हैं। नया टॉपिक आपको स्टार्ट होगा वैद्युत क्षेत्र, आपकी बुक के पास में लिखा हुआ होगा, आप लोग देख लीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र आपके पास आ रहा है, हाँ पेज नंबर 10 पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र। आपको नया टॉपिक मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो आपको जानना है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इसमें लिखी हुई है परिभाषा, आप देख सकते हैं थोड़ी सी, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ किसी आवेशित, पहले परिभाषा बोलता हूँ उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र
जहाँ कोई अन्य आवेशित कण वैद्युत बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। मतलब क्या हुआ, आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इलेक्ट्रिक चार्ज जैसे बताए थे वैसे ही सेम वैद्युत क्षेत्र होता है। किसी एक हमारा आवेशित चार्जेस, एक हमारा जो एरिया है इस पे हमारे पास क्या चार्ज इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है। फिर चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई एक अन्य आवेशित कण, यहाँ पे एक हमारा कोई अन्य आवेशित कण है मान लो, वो हमारे पास क्या ऐसे इसके अंदर, ठीक है। तो कण वैद्युत बल का अनुभव करता है, मतलब अगर जी इस तरफ जैसे हमारे पास क्या होता है, हम क्या बैलून पे या डब्बे पे कोई चीज डाल के पानी भर लेते हैं, उसके बाद कोई चीज डाल दो डालने बाद कोई ज्यादा मूवमेंट होने लगता है, तो वो क्या आवेशित बल का अनुभव करता है, वहां पर हमारा क्या वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे हमारे पास लाइट इस समय नहीं आ रही है, लाइट आते ही हमने का बल्ब बटन पे लगाते हैं स्विच पे, तो वैसे ही हमारा बल्ब जल जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है आवेशित बल का अनुभव, या बल लगा उस पे तभी तो वो जला है। क्योंकि अगर ऐसे हम बैठे रहे और बटन बल्ब हमारा जल जाए नहीं जलेगा ना, जब तक हमें उस पर बल नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक। तो इसी में होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होता है, आप लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपके पास टॉपिक आ जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब देखो ये क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इसमें एक डिफिनेशन है छोटी सी, वो आपको लिखी है, क्या है, हमारे पास एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाते हैं। जैसे हमारे पास होता है क्या वैद्युत क्षेत्र जो होता है ई बराबर होता है हमारे पास कैपिटल बल एफ अपान क्या क्यू नॉट, मतलब क्या होता है लगने वाले आवेश तथा वैद्युत बल, बल के प्रति हमारा जो बल होता है, बल के प्रति आवेश जो लगता है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, इसको बोलते हैं ई से डिनोट करते हैं हमारे पास जी। इसका मात्रक बल का मात्रक होता है न्यूटन और इसका होता है कूलाम, ठीक। ये आपको सामने होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ वन क्यू नॉट, आप देख सकते हैं। फिर इसकी आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, विमा, विमा निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना है, किताब में ही है, ठीक है। अब यहाँ पे निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की विमा, लिख लेंगे ई की विमा या बराबर क्या रहेगा एफ की विमा, विमा निकालना हमने आपको बताया था एफ की विमा बटे क्यू नॉट की विमा, ठीक। अब हमने एफ की विमा आप लोगों को निकाल के बताई थी, एफ बराबर बल बराबर क्या होता है, एफ की जगह लिख सकते हैं क्या, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा गुणा होता है त्वरण, आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, बटे क्यू नॉट की विमा हमारे पास होती है एटी, ये याद रखना कॉन्स्टेंट होती है, द्रव्यमान की होती है एम और त्वरण की होता है एल टी माइनस का दो, ये हो जाएगा हमारे पास एटी, ठीक। ऐसे निकालने के बाद अब क्या करेंगे, अब देखिए ए ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा एम एल टी, ये प्लस का ऊपर जाएगा माइनस, दो में से ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास क्या जाएगा माइनस की तीन और ए इनवर्स बन जाएगा, ये हमारी क्या जाएगी ई की विमा आ जाएगी, ठीक। अब हम निकालेंगे ई का मात्रक, तो निकाल चुके जो कहीं हमारे पास विमा निकालने के लिए आप लोगों को बताया था, आप चेंजमेंट भी कर सकते हैं अगर नहीं आपको याद आ रही है तो, ठीक। जो कि आपके पास एक टॉपिक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, अब तक के लिए हम वेट कर लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं चल रहा है, हाँ चल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमारे पास किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या होगी, हमारे पास एक कोई बिंदु है, माना हमने कहा एक हमारे पास जे पॉइंट है, हमने मान लिया प्लस क्यू दिया हुआ है, ठीक। वो बिंदु से हमें किसी अन्य बिंदु हमने मान लिया पी पर वैद्युत क्षेत्र प्लस क्यू नॉट की तीव्रता, और इस पे हमारे पास बस एफ लगेगा, यहाँ से दूरी हमने मान ली ये स्मॉल आर भी है। और यहाँ पे देखिए या तो ये डायग्राम आप बना सकते हैं इतना अगर याद है तो, ठीक, नहीं तो आप खुद ही लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माना कि प्लस क्यू कूलम आवेश पर किसी एक माध्यम में हमारे पास किसी एक माध्यम या किसी ऐसे माध्यम में बिंदु ओ पर स्थित है, बिंदु ओ पर देखो हमारे स्थित है प्लस क्यू किसी माध्यम पर, ठीक, बिंदु ए पर स्थित है। अब इसके बाद जब ए पर स्थित है, स्थित होने के बाद अब देखेंगे आगे इसके, फिर एक अन्य बिंदु
प्लस क्यू नॉट आवेश पर कोई बिंदु P स्थित है जो R दूरी पर वैद्युत बल F पर F कार्य करता है। ये लिख सकते हो ठीक। फिर लिखेंगे हमारा प्लस क्यू नॉट एक बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। ये भी लिखना है आपको, लिख सकते हैं दूरी के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग डायग्राम बना लिया है उसी से आपको दूरी ये लिखना है और फिजिक्स में मान कर ही चलाना है, क्योंकि फिजिक्स में बहुत बार आपको मानना पड़ेगा कि जो चीज फिजिक्स में आपको गलत लग रही है वो मानने पर सही कर लेते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे, अब हम जानते हैं कूलाम का नियम। क्या जानते हैं? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम पता है हमें, एफ बराबर 1/4 पाई इंटू में क्यू वन। अब देखो यहाँ पे क्यू की जगह क्यू आ जाएगा और ये आ जाएगा क्यू नॉट आ जाएगा बटे आर स्क्वायर। क्वेश्चन ने मान लिया फर्स्ट। फिर अभी एक और फॉर्मूला आपको लिखाया हमने, क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको हमने निकाला ई बराबर एफ अपान क्या लिखाया था क्यू नॉट, समीकरण ने मान लिया दो। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक का मान समीकरण दो में कहां पर रखने पर, जब रख देंगे तो जा जाएगा हमारे पास E बराबर आ जाएगा 1/Q0 इंटू में आ जाएगा 1/4π0 इंटू में आ जाएगा, हमने मान लिया यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट K मान लेते हैं, ठीक है K, और यह जाएगा Q0 बटे आर स्क्वायर। क्यू से हमारा क्यू ये कट जाएगा तो ई बराबर बचेगा हमारे पास 1/4π0 इंटू में की क्यू अपान आर स्क्वायर। तुम्हारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, ये फॉर्मूला बचेगा क्या हमारे पास, इसका मात्रा क्या बन जाएगा न्यूटन, ठीक है, या हमारे पास जी तो कॉन्स्टेंट मान होता है। अब देखिए यहाँ पे मात्रा का भी निकालेंगे लेकिन पहले आपको यहाँ पे की का मान लिख देंगे, यहाँ पे जगह नहीं है तो मात्रा लिख नहीं पाएंगे पूरा, बाद में निकालेंगे तो यहाँ पे जाएगा ये बराबर निर्वात अथवा वायु के लिए ये बराबर एक रख देते हैं तो ये बराबर आ जाएगा 1/4π0 इंटू में क्यू अपान आर स्क्वायर। जी हमारे पास मात्रक आ जाएगा, आप मात्रक देख सकते हैं, ठीक है। अब इसका मात्रक कैसे पता करेंगे, मात्रक हम यहाँ से निकालेंगे, इसी फॉर्मूले तो रखा था, लेकिन इसका मात्रक हमारे पास क्या रहेगा ई बराबर आ जाएगा न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ही रख रहे थे, अपान क्यू का मतलब होता है कूलाम, मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। विमा भी निकाल लेंगे, विमा सेम वही होगी जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विमा निकाली थी, MLT-3A-1 होता है। ये हमारे पास हो गया एक डेरिवेशन, छोटा सा है मतलब मिनी डेरिवेशन है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तब तक के 5 सेकंड रुकते हैं, आप लोग देखिएगा बोर्ड चढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हमने उसको रेज कर दिया है, अब आपके पास टॉपिक आ गया है एक नया, वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल। अब आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत ध्रुव आपको समझना है क्या, एक हमारा इलेक्ट्रिक जो होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी में एक डायपोल होता है वो कैसे होता है, आपको डिफिनेशन मैं बोल रहा हूँ पहले, आप उसको देखिए उसके बाद आपको डिफिनेशन के बाद हम उसको समझाएंगे। वैद्युत ध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल, आप लोग डायपोल देखे होंगे, मान लीजिए आपने ये ऐसे हमारे पास दिखा बहुत दूर पास दूर रहे हैं, लेकिन होते बहुत पास है, बहुत ही अति अल्प दूरी मतलब बहुत ही कम दूरी पर होते हैं, अति अल्प दूरी पर इसके होते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, एक माइनस क्यू होता है, एक हमारा क्या होता है प्लस का क्यू होता है, ठीक है। क्योंकि अगर प्लस माइनस जब होंगे तभी तो जैसे बैटरी थी आपको लगी होती है, क्या प्लेट्स लगी होती है, बहुत ही पास होती है, आप लोग इन्वर्टर पे देखते हैं तो वैसे ही आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल दो लगे होते हैं बहुत ही पास, और उनके बीच में क्या होता है हमारा, क्या होता है एक जी हमारा जो पी है वो इलेक्ट्रिक वेक्टर पी काम करता है, ठीक है। मतलब इनके बीच की जो दूरी होती है वो होती है 2L लंबाई होती है इसकी, ठीक है, बहुत ही पास होने की वजह से, ठीक। फिर ये तो आपके हो गई आपकी डिफिनेशन, क्या वैद्युत ध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश
एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। जो कि क्या वैद्युत ध्रुवीय निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित होते है। समझ पाए डेफिनेशन, वही डेफिनेशन लिखी है वैद्युत ध्रुवीय निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे पर अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं वो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहलाता है जिसे वेक्टर पी से प्रदर्शित करते हैं। ये होगी परिभाषा आपको लिखने के लिए। फिर लिखना है माना कि वैद्युत ध्रुव के आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू कूलाम, आवेश यहाँ पे क्या माइनस क्यू प्लस क्यू कूलाम हमारे पास दिए हुए हैं, ठीक, जिनके बीच की दूरी क्या है हमारे पास 12 है। तब वैद्युत ध्रुव आघूर्ण यहाँ निकालेंगे, तब वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण जो होगा उसको किससे डिनोट करेंगे, पी से। पी बराबर होगा एक आवेश गुणा आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी, एक आवेश हमारे पास q गुणा आवेशों के बीच की दूरी कितनी हमारे पास है 2l है, तो यहाँ पे जाएगा 2l, तो उत्तर p बराबर क्या हो जाएगा 2l, या ऐसे पढ़ सकते हैं 2l इंटू में q, इसका मात्रा क्या हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर, ठीक। ये आपका हो गया मात्रक, यहाँ पे ले सकते हो आप बीमा, यहाँ ले सकते हो P की बीमा, बीमा भी निकालनी है आपको, P की बीमा, बीमा हो जाएगी आवेश की बीमा होती है हमारे पास ए टी, और QL दूरी की बीमा हो जाएगी L, तो ये रहेगा ए टी एल, ये होगी हमारे पास आवेश की बीमा। और इसमें एक चीज और लिखना है आपको नीचे, वैद्युत ध्रुव एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ये हो गया आपके पास क्या लिखना है, वैद्युत ध्रुव एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर प्राप्त होती है या होती है। ये हो गया आपके पास टॉपिक, तो ये आपको समझना है बस, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पास ये फार्मूला है, और बस ये बस आपको यूनिट जरूर पता होनी चाहिए, न्यूमेरिकल में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये आपको करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5 सेकंड रुकते हैं हम आपको, ठीक है। तो ये आपको लोड कर लिए होंगे, आज आपको शॉर्ट में वीडियो रहेगा, ये इतना ही वीडियो, क्योंकि आगे वाला जो टॉपिक है आपको मैं बता दे रहा हूँ वैद्युत ध्रुव की अच्छी और अच्छी स्थिति है वो काफी बड़ा हो जाएगा, इस वजह से आज के लिए थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो ही रहेगा, तो कल आप लोगों को दोनों टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो इसी के साथ साथ आप लोगों से कहता हूँ कि अगर आप लोग पहली बार देख रहे यूट्यूब पर तो आपको क्या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट नॉलेज वीडियो आपको हमारे पर पहुंच जाएगी, तो आप हमारे लाभ उठा सकते हैं। कल फिर मिलते हैं नए दोस्त, नई एनर्जी, नए साथ साथ, बाय बाय।